अयोध्या में लगभग 500 वर्ष बाद रामलला भव्य मंदिर में विराजमान हो रहे हैं। आज फिर से सनातन धर्म की ध्वजा आकाश में लहरा रही है। यह 500 वर्षों के अपार ताप, बलिदान, समर्पण, भक्ति, श्रद्धा का परिवर्त्र और गौरव का फल है। 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले पूरे देश में उत्सव का माहौल है। हर कोई अपने तरीके से रामलला की स्वागत की तैयारी कर रहा है। हर घर में उस दिन दीप जले और हर घर पर सनातन धर्म का ध्वजा लहराए। इसी सोच को लेकर केंद्रीय मंत्री एवं सांसद अनुराग ठाकुर ने अपने संसदीय क्षेत्र के हर घर के लिए एक किट भेजी है, जिसमें एक झंडा, एक दीपक, सभी देव देवी देवताओं के आरती के संग्रह की पुस्तिका है। शनिवार के दिन श्री नैना देवी विधानसभा के विधायक एवं भाजपा के वरिष्ठ नेता रणधीर शर्मा ने अनुराग ठाकुर द्वारा भेजी गई किट स्वारघाट बाजार में हर दुकान में वितरित की और 22 जनवरी को होने वाली प्राण प्रतिष्ठा को अपने घरों में दीपावली की तरह मनाने का निवेदन किया। इस दौरान भाजपा लोअर मंडल के अध्यक्ष बालकृष्ण ठाकुर सहित अन्य कार्यकर्ता उनके साथ मौजूद रहे। 22 जनवरी को अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि के स्थान पर जो भव्य राम मंदिर बना है, उस दिन प्राण प्रतिष्ठा का जो कार्यक्रम होगा, वो कार्यक्रम पूरे देश के हर गांव के मंदिर में आयोजित किया जाएगा और हर घर में दीप जले, उस दिन दीपावली मने, ये प्रयास हम सब का है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ये विनम्र निवेदन देशवासियों से किया है। इस दृष्टि से हमारे सांसद और केंद्रीय मंत्री श्री अनुराग ठाकुर जी ने एक किट हर घर को भेजी है, जिसमें उन्होंने निवेदन किया है कि हर घर पर झंडा लगाएं। उन्होंने झंडा भी इस डिब्बे में डाला है और उसी तरह से दीपक जलाएं, दीपक भी उन्होंने इस किट में जो है साथ उपलब्ध करवाया है और इसके साथ साथ सभी देवी देवताओं की आरतियों के संग्रहण की एक पुस्तिका भी उन्होंने जो है हर घर में भेजी है। ऐसे सारे सामान का, जिसमें भव्य राम मंदिर का चित्र भी है, वो इस डिब्बे में किट के रूप में हर घर में वितरित किया जा रहा है। आज हमने स्वारघाट बाजार में हर दुकान में जाकर इस किट को अनुराग ठाकुर जी की तरफ से हर दुकानदार को दिया और उनसे जो 22 तारीख को हर घर में दीपावली बनाने का विनम्र निवेदन किया। हिमाचल प्रदेश के स्वारघाट से राजेंद्र ठाकुर की रिपोर्ट।